टीम इंडिया विश्व कप के दो मैच मेलबर्न में खेल चुकी है और फाइनल में अगर जगह बनाती है तो वो मुकाबला भी एमसीजी में ही होगा। मेलबर्न में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है। क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय फैंस भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन और भारतीय व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की एक खास रिपोर्ट। तो भारत ने T20 के विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और हम एडिलेड के लिए अभी कुछ ही देर में रवाना हो रहे हैं, जहां T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारतीय टीम खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन हम आज क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर आपको देसी खाना खाना है ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, तो हम यहाँ पर देसी ढाबा में हैं। ये नाम भी बिल्कुल देसी है, इसलिए भूख भी लग रही थी, हमें लगा कि अंदर जाके देखा जाए। चलिए, यहाँ पर खुशबू से ही स्वाद आ गया, लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल टिपिकल देसी खाना, इंडियन खाना, पंजाबी खाना मिलता होगा। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब ये देखिए, ये पूरा बॉलीवुड की थीम है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर सलमान खान की फ़ोटो है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मुन्ना भाई की यहाँ पर फ़ोटो है, संजय दत्त हैं, अमरीश पुरी हैं, श्रीदेवी हैं, पूरा इन्होंने एक ये वॉल बनाई हुई है। एक ये दूरदर्शन का लोगो भी लगा हुआ है यहाँ पे। पुरानी एड्स जो हैं, चाचा चौधरी, ताजमहल, पुरानी जो एड्स थी 80s 90s की, वो सारी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अलग वॉल है, बॉलीवुड की वॉल हमने आपको दिखाई। अब ये दूसरी वॉल है जिसमें पुरानी जो दूरदर्शन में सारी एड्स चलती थी, विज्ञापन चलते थे, वो है क्रिकेट की सारी वॉल्स हैं। ये कुंबले देख सकते हैं, रवि शास्त्री 1983 की फोटो, ऐतिहासिक फोटो आप देखिए, 1983 की जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, 2011 वर्ल्ड कप का देखिए ऐतिहासिक फोटो, ये भी 2011 वर्ल्ड कप जो हम जीते थे मुंबई के वानखेड़े में, धोनी का छक्का है वो कितना मशहूर हुआ था। वो देखिए जो लास्ट में फाइनल के बाद कप उठाते हुए फोटो आप देखिए, श्रीशांत हैं, सचिन तेंदुलकर, हरभजन, रायना, पीयूष चावला। चलिए, तो इनके किचन में हम आ गए हैं, हालांकि यहाँ पर ये आना अलाउ करते नहीं है, लेकिन हम आ गए हैं यहाँ पर। देख के ही लग रहा है कि बिल्कुल इंडियन है फूड। ये छोले बन रहे हैं, दाल बन रही है यहाँ पर, ये शेफ साहब बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं। सर, कितने सालों से आप यहाँ पर? दो साल से ही। अच्छा, ये अभी क्या छोले बना रहे हैं आप? हाँ जी। मैं मेन्यू देख रहा था अभी कि यहाँ पर सब कुछ, पूरी छोले हो गए, यहाँ पर मलाई कोफ्ता हो गया, पनीर हो गया, दाल मखनी हो गई, मतलब सब कुछ मिलता है और देसी खाना मिलता है यहाँ पर। आप क्या इंडिया से आए हैं यहाँ पर? हाँ जी, मैं इंडिया से आया हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको दो साल आप कह रहे हैं काम करते हो गए, तो इन्होंने ओनर्स ने क्या कहा कि मेरे को देसी खाना चाहिए, बना दोगे तो आ जाओ? बिल्कुल जी, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे शेफ हम काम करते हैं सभी को, सभी इंडिया से ही हैं और आज मतलब ऑथेंटिक फूड ही, मतलब ऑथेंटिक रेसिपी ही हम यूज करते हैं। आप इंडिया से आए हैं यहाँ पर वर्ल्ड कप देखने के लिए? आए ऑफिस ट्रिप पे आया था, बट कल हमने एमसीजी में वर्ल्ड कप भी देख लिया। तो यहाँ पर आप, नाम आपने देखा होगा देसी ढाबा, तो आप पहले भी यहाँ पर आए हैं या पहली बार आए? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 100 मीटर आगे मेरा ऑफिस है, तो मैं पहली बार ही आया इधर खाने। इंडियन फूड जैसे हम नहीं खा रहे थे, तो इधर आने के बाद द नेम्स आर इटसेल्फ फीलिंग इंडियन। तो मैच देखा आपने, भारत ने जिम्बाब्वे को हराया, टेबल को टॉप किया, सेमीफाइनल में क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड को हरा देगा? डेफिनेटली हराएगा, इंडिया इंग्लैंड को भी हराएगा और फाइनल जीत के वर्ल्ड कप भी लेके जाएगा। यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं देसी ढाबा में? नहीं, हम पहली मैच थी ना जब इंडिया पाकिस्तान की, तो बहुत देरी हो गई थी और यही खुला था, यही शॉप खुली थी, तो यहाँ हम लोग। खाना अच्छा लगा यहाँ पर? बड़ा अच्छा खाना है, बिल्कुल इंडिया जैसा टेस्ट है, जैसे अपने घर की याद आती है। हम लोग कैलिफोर्निया से आते हैं, इंडियन मैचेस कब से फॉलो कर रहे हैं हम इंडिया की टीम को, और फिर इंडियन खाना मिल रहा है, हम तो वी फील लाइक वी आर इन हेवन। मैं अभी ऑर्डर करने वाली हूँ ढाबे दी दाल प्लेट, एंड इट जस्ट लाइक साउंड सो गुड, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट दिस फूड। एंड लास्ट टाइम व्हेन वी एट, वी ऑर्डर्ड भुर्ता एंड दाल, दैट येलो दाल, एंड इट वॉज जस्ट सो डिलीशियस। हम वेजिटेरियंस है, इसीलिए ढूंढते हैं कि वेजिटेरियन ऑप्शन कहाँ मिलते हैं, सो उसके बराबर हम गूगल के, तो हम यही विक्टोरिया होटल, देसी ढाबा नाम अच्छा लग रहा है, वहीं चलते हैं।
मेरे मम्मा ने पूरा रिसर्च किया है इसके बारे में, तो हम चल के आए। अमित टुटेजा जी रेस्टोरेंट ओनर हमारे साथ हैं देसी ढाबा के। सर बहुत आपको सबसे पहले आप डीडी न्यूज़ पे आपका बहुत शुक्रिया। पहले सर हमने अभी खाना खाया यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मेलबर्न में हैं हम। टेस्ट, वो खुशबू, वो मसालों का जो जो टेस्ट होता है ना, जो आना चाहिए वही आया। ये कैसे लेकर आए यहाँ पे? देखिए ये इस जगह का नाम है देसी ढाबा, तो यहाँ पर वी डोंट होल्ड बैक ऑन स्पाइसेस, वी कीप द फूड एज ऑथेंटिक एज बैक होम। तो हम जो मसाले हैं यहाँ पर खुद फ्रेश भूनते हैं उन्हें, यहाँ पर कोई पेस्ट प्यूरे का इस्तेमाल नहीं होता है, असली लाल प्याज काटा जाता है, देसी घी में खाना पकाया जाता है और प्यार से परोसा जाता है। मैंने देखा अभी सुनील गावस्कर, सानिया मिर्जा, आतिफ असलम, पार्थिव पटेल सब यहाँ पर आ चुके हैं, उनको कैसा लगा खाना? सुनील गावस्कर बहुत अच्छे आदमी हैं, यू नो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे आदमी हैं, पार्थिव पटेल, सानिया मिर्जा लवली पर्सन, उनको अपनी पीली दाल पसंद है, ठीक इस तरह विद्या बालान को अपनी भिंडी पसंद है। तो इन लोगों को उनकी जो डिशेज हैं हम उनको उनके घर की फील देना चाहते हैं, तो जब वो आते हैं तो हम उनको वो डिशेज खिलाते हैं जो वो चाहते हैं। तो ढाबा आओ, भूख मिटाओ और मस्त हो जाओ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही बात है, लोगों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बढ़िया खाना है, तो मैं अब यहाँ पर मुहर लगा सकता हूँ, स्टैंप लगा सकता हूँ कि वाकई अगर आपको देसी खाना खाना है, अगर आपको पंजाबी खाना खाना है, घर का खाना खाना है, तो मेलबर्न में इससे जगह अच्छी नहीं हो सकती। आप आइए, खाइए, ज़्यादा मैं तारीफ़ नहीं करूँगा। कैमरा मैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, मेलबर्न, डीडी न्यूज़।